गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा नागवंशी। तो आज दिन की शुरुआत करते हैं टॉप 10 खबरों से। कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल को हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। फाइनल्स में कोलकाता का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। पेट्रोल और डीजल के दाम रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 104.69 रुपए हो गए हैं, वहीं डीजल के दाम 93.52 रुपए हो गए हैं। देश में अब 2 से 18 साल वाले बच्चों को भी लग सकेगी कोवैक्सीन। कोवैक्सीन के ट्रायल का डेटा सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी को सौंप दिया गया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। अयोध्या में दुर्गा पूजा के बीच चली गोलियां, एक व्यक्ति की मौत और 2 बच्चे घायल हैं। महाराष्ट्र में 50 लाख रुपए की रिश्वत लेने के लिए कांग्रेस पार्षद गिरफ्तार। पटना में एक मॉडल को बदमाशों ने मारी गोली, प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है इलाज। गाजियाबाद के भाटिया मोड़ फ्लाईओवर से गिरी एक बस, एक व्यक्ति की मौत और 3 घायल। भारत के लड़ाकू विमानों में आज 3 राफेल विमानों का होगा इजाफा। आज रात को हो जाएंगे लैंड, कुल संख्या होगी 29। एनकाउंटर में मारा गया जैश का टॉप कमांडर, नाम शाम सौफी। दिल्ली सरकार ने लगाई छठ पर्व पर रोक। विपक्ष ने लगाया हिंदुओं के भावनाओं से खिलवाड़ करने का आरोप।